वजीफा है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही या शादी का बहुत ज्यादा मसला है तो आपने ये वजीफा लाजमन करना है। ये वजीफे से एक तो दिलों में मोहब्बत पैदा होगी और जहां पर भी आप रिश्ता भेजोगे वहां से आपको कभी भी इनकार नहीं होगा। तो तरीका इस वजीफे का यह है कि आपने सूरह अल कदर, ठीक है, तो जिससे भी आपको मोहब्बत हो, जिससे भी आप शादी कर रहे हो या जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, लड़की हो या लड़का, तो आपने क्या करना है, अपनी जब भी ये सूरत आप पढ़ोगे पास अगरबत्ती 2-3 जला लो और फिर ये सूरत पढ़ो और कोशिश करो कि अपना मुंह उस मतलब कि जहां से रिश्ता आया है या आना है या जिसके लिए आप कर रहे हो उसकी तरफ आपका चेहरा हो, ठीक है, उस सिमत में हो, तो फिर ये अमल करें। और ये अमल जो है मगरिब के टाइम करें, ठीक है, मगरिब के टाइम सिर्फ सूरह अल कदर को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, सूरह अल कदर को 7 मरतबा पढ़ना है। तो इंशाल्लाह 3 दिन तक आप पढ़ेंगे तो फौरन ही आपको इसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। 3 दिन के अंदर अंदर जिसको आप तलब करना चाहते हो या जिसके लिए आपने ये वजीफा जिस मकसद के लिए भी किया है वो मकसद आप ज़हन में रखो और इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए वजीफा करोगे फौरन आपका मकसद पूरा होगा। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत नायाब वजीफा है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी से मतलब के लगाव रखते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए ये तरीका है कि अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम ना हुआ हो या शरीयत का मतलब के कोई मसला ना हो तो फिर आपने ये वजीफा जो है, तरीका इसका यह है कि लड़का है तो अपनी बाजू के ऊपर सूरह कदर लिख कर तो बांध ले, तो उसको बांध कर अपने पास रख ले तो उससे भी बहुत फायदा होगा और जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। बहुत नया वजीफा है, अगर जितनी भी इस वजीफे की कदर की जाए कम है आप लाजमन कीजिएगा, इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नजायज काम के लिए बिल्कुल ना इसका इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि फिर अल्लाह पाक आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर अल्लाह पाक की नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी होती है, फिर कभी भी जिंदगी में कभी आप कामयाब नहीं होंगे। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आने वाली तमाम वीडियो बहुत प्यारे अमलियात और वजाइफ और मालूमात पर है। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। मोहब्बत का नक्श दिया जाए, यानी मोहब्बत का चाहत का नक्श दिया जाए जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे जिला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था और वो बहुत जलाली नक्श है, तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके। और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात, नजरे बद
और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि हजार से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉम, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इनशाला जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद।